Good morning, all of you. चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग कंटिन्यू रखते दो तीन सम करेंगे फिर थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। चलो सपोज हमारा सम है 0.3x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.5 और सेकंड इक्वेशन है 0.5x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.3। चलो तो कल हम लोगों ने मेथड ऑफ एलिमिनेशन में भी दो सम पॉइंट वाले किए थे, सब्स्टिट्यूशन में भी दो सम पॉइंट वाले किए थे। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भाई 10 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ दी इक्वेशन बाय 10। पहले 10 से दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा भाई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 बनेगा। चलो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा भाई, अब तो कल जो सॉल्व किया था वैसे ही आगे बढ़ना है। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कन्वर्ट बोथ द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा भाई, कंपेयरिंग यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करेंगे तो 6 वैल्यू लिखनी है हमें, a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -25, c2 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट स्टेप कौन सा, अरेंजिंग द कोफिशिएंट कोफिशिएंट अरेंज करेंगे, यानी कि फॉर्मूला लिखेंगे पहले x, नीचे क्या लिखेंगे b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y, c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1, a1 a2 b1 b2। चलो इनकी वैल्यू रखते हैं। तो क्या आएगा भाई, चलो x के नीचे क्या आएगा भाई, b1 b2 c1 c2 4 माइनस 3 माइनस 25 माइनस 3। चलो सेम y के नीचे क्या आएगा भाई, माइनस 25 माइनस 3 a1 a2 यानी कि 3 5। चलो इज इक्वल टू 1 के नीचे 3 5 और b1 b2 4 माइनस 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि क्या आएगा x के नीचे माइनस 12, फिर माइनस की साइन आएगी। चलो ये दोनों माइनस 25 3 कितना होगा 75, डायरेक्ट आ जाएगा, ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं। चलो इसके बाद में y के नीचे क्या आएगा भाई, माइनस 125
ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एक माइनस को माइनस विद माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, माइनस नाइन इज इक्वल टू वन के नीचे माइनस नाइन माइनस ट्वेंटी, देयरफॉर एक्स के नीचे क्या आएगा भाई माइनस 87, वाई के नीचे क्या आएगा भाई माइनस 125 प्लस 9, और वन के नीचे क्या आएगा माइनस 29। तो एक्स के नीचे माइनस 87, वाई के नीचे देखो एक माइनस एक प्लस, दोनों का सबट्रैक्शन होगा, 125 में से 9 को माइनस कर दो माइनस 116, और 1 अपॉन माइनस 29 इनको अलग कर दे, एक्स अपॉन माइनस 87 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 29, वाई अपॉन माइनस 116 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 29। चलो इसको इधर ले जाए, एक्स इज इक्वल टू माइनस 87 अपॉन माइनस 29, 29 3 सा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आया भाई 3, y is equal to minus 116 upon minus 29, काम करो तो 29 multiply 4 करो कितना आता है 29 4 जा 116, therefore y is equal to कितना है भाई 4। तो ऐसे पॉइंट वाला सम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। तो जरा एक फ्रैक्शन वाला भी सम करते हैं, बराबर है, फ्रैक्शन वाला सम भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं। -4 = 0, 9x - 2y
माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। चलो सबकी वैल्यू लिखे, थ्री नाइन माइनस फाइव माइनस टू माइनस फोर माइनस सेवन, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। चलो नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा भाई हमारा, अरेंज इन द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पर अरेंज करो। चलो फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला में वैल्यू रखो। चलो तो क्या आएगा भाई, एक्स के नीचे माइनस फाइव माइनस टू माइनस फोर माइनस सेवन, वाई के नीचे माइनस फोर माइनस सेवन, ए वन ए टू यानी कि थ्री नाइन, वन के नीचे थ्री नाइन, बी वन बी टू मीन्स माइनस फाइव माइनस टू। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x, चलो सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फाइव सेवन जार थर्टी फाइव, माइनस ये दोनों का भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे a इज इक्वल टू y के नीचे क्या आएगा भाई, माइनस थर्टी सिक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू वन के नीचे क्या आएगा भाई, माइनस सिक्स माइनस ब्रैकेट में माइनस फोर्टी फाइव आएगा ऐसे। चलो ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें तो एक्स के नीचे कितना आएगा भाई, ट्वेंटी सेवन। चलो वाई के नीचे क्या होगा, माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी वन, और यहाँ पर वन के नीचे क्या होगा भाई, माइनस सिक्स प्लस फोर्टी फाइव, तो x के नीचे 27, गलती हो तो बोल देना y के नीचे माइनस 15 और 1 के नीचे क्या आएगा भाई, 39 आएगा। अब कंपेयर करते x अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन 39 और y अपॉन माइनस 15 is equal to 1 upon 39. So therefore x is equal to 27 upon 39. So y is equal to minus 15 upon 39. 3 से कट होगा, 3 9 जा 27, 3 13 जा, 3 5 जा, 3 13 जा. Therefore x is equal to 9 upon 13 और y is equal to minus 5 upon 13. लास्ट में सॉल्यूशन लिख लो, हो गया। हो गया वाला सब, तो जरा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 3.5 निकालो, एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 एक्स वर्क को करना है होमवर्क में, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ो तो उसका हेडिंग क्या, तो भाई यहाँ पर टोटल 400 है, उसमें से कौन से इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन नहीं है या तो इनफिनिट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 हमने किए थे याद करो, तो उसमें क्या था, आपको यूनिक सॉल्यूशन एमपी सेट या तो कौन सा भाई इनफिनिट सेट फाइंड करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए वन अपॉन ए टू फाइंड करना पड़ेगा, बी वन अपॉन बी टू फाइंड करना पड़ेगा, सी वन अपॉन सी टू फाइंड करना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट नंबर देखो तो उसमें ए वन अपॉन ए टू लोगे तो क्या होगा भाई, वन अपॉन थ्री, फिर बी वन अपॉन बी टू यानी कि वाई के कोफिशिएंट,
क्या होगा माइनस थ्री अपॉन माइनस नाइन, माइनस माइनस पर थ्री थ्री जा नाइन पर आया क्या आंसर उसका वन अपॉन थ्री, और सी वन अपॉन सी टू क्या है भाई थ्री अपॉन टू, यहाँ पर क्या हो गया ए वन अपॉन ए टू, टेक्स्ट बुक में लिख डालो बाजू में वो सम के बाजू में लिख डालो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन, आपको आगे बढ़ना नहीं, जिसको यूनिक सॉल्यूशन हो उसका ही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्लियर। चलिए इससे सेकंड नंबर देखिए, तो देखो तो जरा उसमें ये फाइंड करना है आपको हर एक समय का भाई, चलो सेकंड में ए वन अपॉन ए टू फाइंड करो तो क्या आएगा भाई टू अपॉन थ्री, बी वन अपॉन बी टू फाइंड करो क्या आएगा भाई वन अपॉन टू, और सी वन अपॉन सी टू फाइंड करो क्या आएगा भाई फाइव अपॉन टेन, तीनों आंसर अलग अलग आते आते हैं कि नहीं, फाइंड करना है आपको सम के पहले। अब क्या करोगे नीचे क्या लिखोगे वो सम के बाजू में लिख डालो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, सो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आप इसका क्या फाइंड करोगे सॉल्यूशन फाइंड करोगे, आता है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है। थर्ड नंबर देखो उसका, चलो उसका ए वन अपॉन ए टू फाइंड करो थ्री अपॉन सिक्स तो क्या आएगा भाई वन अपॉन टू, बी वन अपॉन बी टू करो तो माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन, माइनस माइनस कर फाइव टू जा टेन पर तो वन अपॉन टू, और सी वन अपॉन सी टू करो तो ट्वेंटी अपॉन फोर्टी वो भी कितना है भाई वन अपॉन टू, तीनों आंसर सेम हो गए, तो सब के ऊपर लिख दो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो सॉल्यूशन इज इनफिनिट सेट। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, समझ गए, जिसका यूनिक सॉल्यूशन आए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने, बल्कि सेकंड नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फोर्थ नंबर भी होगा, लाइक ए वन अपॉन ए टू फाइंड करो उसमें क्या आएगा भाई वन अपॉन थ्री, बी वन अपॉन बी टू करो तो माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री यानी कि वन, सी वन अपॉन सी टू माइनस सेवन अपॉन माइनस फिफ्टीन तो सेवन अपॉन फिफ्टीन यानी कि क्या हो गया लिख दो सम के ऊपर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, सो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बट देखो ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन सम की शुरुआत कहां से करोगे डायरेक्टली इधर से, स्टैंडर्ड फॉर्म रेडीमेड है आपका, यहां से सम की शुरुआत करोगे कंपेयरिंग टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म से आपका सम स्टार्ट होगा, तो चार सम कर पाओगे आप लोग। फिर उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों है, अगर आपकी इच्छा होती है तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, मुझे पता है आपकी इच्छा तो कभी भी होने वाली नहीं क्योंकि आप एक नंबर के काम छोड़ इंसान, बट अगर इच्छा हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन करना, और सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो कंपल्सरी सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर थ्री आपको होमवर्क के अंदर कंपल्सरी करने, क्लियर। चलो एक और सम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बराबर है सारे टाइप के सम आपको आने चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे लास्ट सम बनेगा, बराबर है। इसके बाद में हम लोग एक नई मेथड में जाएंगे स्पेसिफिक मेथड, उसके सम ये सभी से बिल्कुल अलग टाइप के हैं, चलो लिखो इक्वेशन फर्स्ट नंबर लिखो टू इंटू ब्रैकेट टू एक्स प्लस वाई प्लस फाइव
ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन नंबर वन है। और सेकंड नंबर का इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। चलो पेपर के अंदर ऐसा इक्वेशन आ गया और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन करना है, कैसे करोगे जरा नजर करो। देखो इक्वेशन नंबर टू तो स्टैंडर्ड फॉर्म रेडीमेड, पर इक्वेशन नंबर वन में आपकी तरफ गड़बड़ी में घोटाले। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाद में जो इक्वेशन मिलेगा वो आपका इक्वेशन नंबर वन होगा। तो जरा इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर टू, बराबर है। चलो तो पहले इसको लिखते टू इन टू ब्रैकेट टू एक्स प्लस वाई प्लस फाइव प्लस थ्री टू ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस टेन प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। चलो फोर एक्स प्लस थ्री एक्स मीन्स कितना बनेगा सेवन एक्स, टू वाई माइनस नाइन वाई कितना आएगा माइनस सेवन वाई, टेन माइनस थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन तैयार हो गया, तैयार नहीं हुआ अभी भी समझो, ये पूरा इक्वेशन सेवन से डिवाइड होता है, समझ गए, ये पूरा इक्वेशन किससे डिवाइड होता है सेवन से, तो सेवन से डिवाइड कर देना था आपका इक्वेशन नंबर टू क्या बनने वाला है एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये बना आपका इक्वेशन नंबर वन। और सपोज समझो, सपोज आप लोग बोल गए आपने सेवन से डिवाइड नहीं किया, आपने इसको सेवन से डिवाइड नहीं किया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में जब एक्स और वाई फाइंड करोगे ना बाकी सब कुछ अपने आप उठ जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, क्लियर। बट जब भी इक्वेशन बनाए सबसे पहले नजर करनी है क्या वो इक्वेशन किसी से डिवाइड होता है, अगर होता है तो उसको क्या करना है आप लोगों को डिवाइड करना है, क्लियर आया समझ में। सपोज आपसे गलती से मिस्टेक हो गई, आप भूल गए एग्जाम के टेंशन में, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ोगे आंसर तो सेम ही आएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़े, देखो इक्वेशन वन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन टू भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब हमारा कौन सा स्टेप आएगा कंपेयरिंग टू भी क्या आएगा भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप सब खुद करो मुझे नहीं करवा रहा। चलो क्या लिखेंगे कंपेयरिंग टू भी स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, चलो इक्वेशन वन को पहले रखना है बराबर है, तो ए वन इज इक्वल टू क्या आएगा वन, ए टू इज इक्वल टू टू, चलो बी वन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई माइनस वन माइनस वाई है, बी टू इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस थ्री, सी वन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई वन, और सी टू इज इक्वल टू कितना है भाई हमारा वन। चलो नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा भाई अरेंज द कोएफिशिएंट, चलो कोएफिशिएंट को अरेंज करें तो फॉर्मूला रखे एक्स बी वन बी टू सी वन सी टू वाई सी वन सी टू ए वन ए टू वन ए वन ए टू बी वन बी टू, चलो इसके अंदर वैल्यू रख दे तो एक्स क्या आएगा भाई माइनस वन माइनस थ्री, फिर क्या है भाई सी वन सी टू यानी कि वन वन इज इक्वल टू वाई वन वन बी वन बी टू यानी कि कितना ए वन ए टू कितना है भाई वन टू, फिर वन के नीचे वन टू और बी वन बी टू यानी कि माइनस वन माइनस थ्री। चलो सबसे पहले क्या आएगा एक्स, पहले ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो गए माइनस वन माइनस
माइनस थ्री वाई के नीचे जाएगा भाई, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए टू माइनस वन और वन के नीचे क्या आएगा भाई थ्री माइनस माइनस टू। चलो एक्स के नीचे क्या आएगा भाई माइनस वन प्लस थ्री, वाई के नीचे वन और वन के नीचे क्या है भाई थ्री प्लस टू, तो एक्स के नीचे क्या है भाई टू, वाई के नीचे वन और वन के नीचे फाइव, अलग कर दे। देयरफॉर एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, वाई अपॉन वन इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, टू इधर चला गया, एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई टू अपॉन फाइव और वाई इज इक्वल टू वन इधर चला गया, y is equal to कितना है भाई 1 upon 5। बोलो ऐसे इक्वेशन पेपर में आ गए तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, घबराने का नहीं है, समझ गए ना, मैदान छोड़ के कभी भी भागना नहीं है। सॉरी इधर पकड़ हो गया मेरा, माइनस थ्री आएगा ना भाई, बोलो तो करे आप लोग वीडियो में अंदर बैठे बैठे बोलो, इधर माइनस इधर, मैं इसलिए पहले से बोला कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है या फिर भी हो गया होगा, ये यहाँ पर क्या आएगा भाई माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन। कर सकते हो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से कि नहीं कर सकते हो, यहां पर लगभग हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है भाई कंप्लीट होती है। तीन मेथड हमने देखी, फर्स्ट देखी मेथड ऑफ एलिमिनेशन, उसमें भी बहुत सारे सम कराए, सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें भी बहुत सारे सम किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें भी बहुत सारे सम किए, क्लियर। या तो यानी कि जितने भी टाइप के सम आते थे वो मैंने सारे आपको करा दिए, अब जो सम हमारे स्टार्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग टाइप के, मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक में अगर हम लोग जाए तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्सरसाइज है 3.6 3.6 एक्सरसाइज है, उसके ऊपर आप लिख के रखोगे स्पेसिफिक सम, लिख के रखोगे स्पेसिफिक सम, यानी कि अभी तक आपने जितने सम किए उनसे बिल्कुल अलग टाइप के सम है, बराबर है। वो एक्सरसाइज के ऊपर लिखा आप लोगों ने स्पेसिफिक सम और उसके ऊपर लिख दोगे डबल मोस्ट आईएमपी बीएमआईएमपी, वो सारे सम इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। मैं तो अपने अलग से सब कराऊंगा, ये वाले आपको होमवर्क में मिलने वाले, इसलिए थोड़ा ध्यान रखोगे, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वो सब स्टार्ट करते हैं। चलो।